देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। जब किस्म की बात आती है तो किस्मों में पूसा विशेष भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से निकली हुई किस्म है। इसकी जो पैदावार है बहुत अच्छी है और ये गर्मी के मौसम में बहुत ही अच्छी आती है और इसको हम उत्तर भारत में भी करते हैं, दक्षिण भारत में भी करते हैं, मध्य भारत में भी करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण किस्म है पूसा दो मौसमी। इसका जैसे कि नाम ही लगता है दो मौसमी, यानी कि दोनों मौसम, गर्मी के मौसम में भी इसको ले सकते हैं और खरीफ के मौसम में भी ले सकते हैं। पूसा दो मौसमी बहुत अच्छी किस्म है, इसका भी उत्पादन काफ़ी बड़े एरिया में होता है और उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी इसकी काफ़ी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। तीसरी जो किस्म है BJ14 यानी कि BJ14, ये भी किस्म काफ़ी अच्छी है, इससे काफ़ी अच्छी पैदावार मिल सकती है। चौथी किस्म है प्रीति, ये भी काफ़ी अच्छी किस्म है, इसकी जो पैदावार है मध्य भारत में काफ़ी होती है, इसकी भी पैदावार अच्छी ली जा सकती है। एक किस्म है अर्का हरित, अर्का हरित की भी काफ़ी अच्छी पैदावार देता है और ये किस्म जो है पूरे भारतवर्ष में लगाई जाती हैं, तो एक करेले की ये अच्छी किस्में हैं, इनका प्रयोग, इसके बीज का प्रयोग कर सकते हैं। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और इस पर आपका हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब जल्दी से एक नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कंबाइन हार्वेस्टर बना भूसे की किल्लत का कारण, 400 से 800 रुपए पहुंचे भूसे के दाम। उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाएगी मोदी सरकार, प्रदेश के 14 करोड़ किसानों को मिलेगी काफी राहत। कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की धान की नई 5 किस्में, पैदावार और आय दोनों में होगा इजाफा। किसान गेहूं की कटाई इन दिनों कंबाइन हार्वेस्टर के जरिए करने पर जोर दे रहे हैं, जिसकी वजह से सूखे चारे की समस्या पशुपालकों के सामने आ खड़ी हुई है। कंबाइन से फसल कटाई के कारण भूसे की कमी साफ देखने को मिल रही है। हालात ये हो चले हैं कि जो भूसा 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल पर पहले मिल जाया करता था, वो अब 800 से 900 रुपए प्रति क्विंटल जा पहुंचा है। भूसे की किल्लत ने न सिर्फ इसके दामों में इजाफा कर दिया है, बल्कि पशुपालकों के सामने चारे की व्यवस्था को लेकर समस्या खड़ी कर दी है। इसी कड़ी में हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने एक बड़ा फैसला करते हुए ये ऐलान कर दिया है कि अब हरियाणा के किसी भी कोने से चारा दूसरे राज्यों में नहीं भेजा जाएगा। यानी कि अब हरियाणा का भूसा दिल्ली वाले नहीं ले जा पाएंगे, पानीपत के किसान शामली तक भी तुड़ी नहीं बेच पाएंगे, तो वहीं मथुरा के किसान पलवल से सूखा चारा नहीं खरीद सकेंगे। हालांकि प्रदेश में ही किसानों के एक जिले से दूसरे जिले तक सूखा चारा ले जाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, ये प्रतिबंध केवल अंतरराज्यीय परिवहन पर लगा है। जाहिर है कि प्रदेश में दुधारू पशुओं की कुल संख्या करीब 36 लाख है, जिसके चलते यहाँ पर काफी भूसे की जरूरत पड़ती है। इसी जरूरत को देखते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री ने ये फैसला किया है, साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले चारे की निगरानी के लिए भी नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। देश के करीब 14 करोड़ किसानों के सिर पर फर्टिलाइजर्स की बढ़ती कीमतों का भार ना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत केंद्र सरकार द्वारा फर्टिलाइजर्स पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी की जा रही है। दरअसल खरीफ सीजन की नजदीकियों और उर्वरकों के कच्चे माल की कीमतों में होती बढ़ोतरी के अलावा खाद कंपनियों ने भी DAP की कीमतों में 150 रुपए की वृद्धि की है, जबकि यूरिया और दूसरे उर्वरकों के दामों में इजाफा होने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में किसानों पर इसका असर ना पड़े, इसीलिए सरकार द्वारा सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैबिनेट की बैठक में फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने को मंजूरी भी दे दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते 25 अप्रैल को नीति आयोग की बैठक में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने फर्टिलाइजर सब्सिडी का मुद्दा उठाया था, जिस पर वहां मौजूद कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि आने वाले समय में किसानों को उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी 2 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि अभी 1.5 लाख करोड़ से कम बनी हुई है।
फसल उत्पादन के साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिक समय समय पर फसलों की नई नई किस्मों को विकसित करते रहते हैं ताकि पैदावार में बढ़ोतरी का लाभ किसानों को मिल सके। इसी कड़ी में खरीफ सीजन की नजदीकियों को देखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर व ट्रांबे मुंबई के सहयोग से सुगंधित धान की 5 नई म्यूटेंट किस्मों को विकसित किया है। इन किस्मों के नाम हैं ट्रांबे छत्तीसगढ़ दुबराज म्यूटेंट 1, विक्रम टीसीआर छत्तीसगढ़ जम्वा फुल म्यूटेंट, ट्रांबे छत्तीसगढ़ विष्णुभोग म्यूटेंट और ट्रांबे छत्तीसगढ़ सोनागाठी। बात करें इन किस्मों की विशेषताओं की तो वैज्ञानिकों के अनुसार इनके इस्तेमाल से धान के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इन किस्मों में रोग व कीटों के प्रकोप की संभावनाएं काफी कम है। हालांकि बुवाई के पहले बीजों को उपचारित करने की सलाह कृषि विशेषज्ञों द्वारा दी गई है। इन किस्मों की फसल की अवधि और ऊंचाई कम है जबकि उपज अधिक होती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की ओर से धान की ऐसी 23,250 परंपरागत किस्मों को म्यूटेंट किया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में धान की हजारों परंपरागत किस्में पाई जाती हैं, जो अपनी सुगंध, औषधीय गुणों और अन्य विशिष्ट गुणों के लिए काफी मशहूर हैं। ऐसे में जल्द ही धान की अन्य परंपरागत किस्मों के म्यूटेंट विकसित कर किसान तक उनका लाभ पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर प्रदेश के बरेली के जिलाधिकारी ने केसीसी का लाभ लेने के इच्छुक किसानों को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के तहत 1 मई तक जिले में जगह जगह कैंप लगाकर बैंक कर्मी खुद किसानों के पास जाएंगे और उन्हें केसीसी का लाभ दिलाएंगे। इसके लिए जिलाधिकारी ने कृषि विभाग और नाबार्ड को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। राजस्थान के पिपलदा में बीते दिन अखिल भारतीय किसान सभा के सभी किसान सदस्यों ने मिलकर इटावा उपखंड अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने चने की खरीद समर्थन मूल्य पर वापस शुरू करवाने के लिए उपखंड कार्यालय पर धरना देकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। साथ ही बाजार हस्तक्षेप स्कीम के तहत लहसुन की खरीद 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर शुरू कराने की मांग को लेकर राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पंजाब के किसानों ने रबी सीजन में गेहूं की जगह सरसों की अधिक बुआई की थी, जिसका फायदा उन्हें अब मिलता नजर आ रहा है। बता दें कि सरकार ने तिलहन का समर्थन मूल्य 5,050 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि प्रदेश की मंडियों में तिलहन की कीमत 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। कुछ किसानों ने बताया कि इस बार उनके 1 एकड़ खेत में औसतन 7 क्विंटल तक सरसों की उपज हुई है, जो कि पिछले साल के मुताबिक काफी ज्यादा है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुसुमी क्षेत्र में 6 गांवों के 25 किसानों ने साल 2018 में पुरानी पद्धति से खेती करने का मन बनाया था, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले देसी बीज बैंक बनाने का फैसला किया और आज के वक्त में उन्होंने एक नहीं बल्कि 6 बीज बैंक बना लिए हैं। वो न केवल इन बीजों से खुद खेती करते हैं बल्कि और भी जो किसान प्राकृतिक खेती में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें भी निःशुल्क बीज उपलब्ध करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सोमवार रात को जरगांव माइनर के कटाव का नुकसान पंचम खेड़ा गांव के किसानों को उठाना पड़ा है। दरअसल कटाव के चलते यहां 21 बीघा गेहूं के कटे बोझ व खड़ी फसल पानी में जलमग्न हो गई। माइनर कटने को लेकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना सुबह पहुंचते ही पहले नहर विभाग के अधिकारियों को दी, तो वहीं किसानों के मुताबिक गेहूं की फसल में पानी भरने से उन्हें लाखों रुपयों का नुकसान हो चुका है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।